अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पाकराइड। आज हम जिस वैन का रिव्यू करने जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं, ये प्रीमियम वैन है टोयोटा की, टोयोटा एल्फेड, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। आपको डिटेल से रिव्यू देंगे, अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइट, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है इसकी। यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट मिल जाएगी, साइड टर्न सिग्नल मिल जाएगा साइड पे, और इसके फ्रंट से जो लुक है वो काफ़ी अमेजिंग है। ये आप एल्फेड की बैजिंग देख सकते हैं, टोयोटा एल्फेड। इसकी ग्रिल देख सकते हैं आप, क्रोम और ब्लैक में दी गई है। फ्रंट से लाइट देख लें आप, नीचे आपको फॉग लाइट मिल जाएगी, पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे फ्रंट पे, छोटा सा बोनेट है इसका। ये आप इसका अगर मिरर देखें तो यहाँ से आप साइड और फ्रंट दोनों देख सकते हैं। इसके अलॉय व्हील्स की तरफ आए तो आप देख सकते हैं टोयोटा के जेन्युइन अलॉयज हैं। यहाँ पे आए तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी हाइब्रिड है, मतलब आपकी जो एवरेज है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बीइंग अ वैन, क्योंकि आप जानते हैं कि उसका जो फ्यूल एवरेज है वो काफ़ी कम होती है, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। ये हाइब्रिड है, इसकी वजह से आपकी फ्यूल एवरेज जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसका फ्रंट डोर ओपन करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ का डोर है इसका, ये आप देख सकते हैं। ये लेदर का यूज़ किया गया है, सारी विंडोज़ हैं, ये ऑटो है। ये इसका डोर हैंडल देख सकते हैं, नीचे आप यहाँ पे बॉटल्स तो है, यहाँ पे डेढ़ डेढ़ लीटर की तीन बोतलें रख सकते हैं आप। ये स्पीकर देख लें आप, अगर मैं फ्रंट पे बैठ के आपको दिखाऊं तो आराम से मैं बैठ गया हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल। और आप लेग स्पेस देख सकते हैं, हेड स्पेस कोई मसला नहीं है इसमें। उतर जाते हैं इससे, डोर को बंद कर देते हैं, कोई मेहनत नहीं करनी, सिंपल क्लिक करें और ये ओपन हो जाएगा। चलें अब मैं अंदर बैठ जाता हूँ। व्यूअर्स, ये काफ़ी लग्जरी है, आप देख सकते हैं लेग स्पेस और हेड स्पेस। वैसे जो वैन होती हैं उसमें बंदे को यूं होकर बैठना पड़ता है, मतलब अगली जो नीज है वो अगली सीट के साथ अटैच हो रही होती हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप देख सकते हैं ऊपर आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, एसी के वेंट्स दिए गए हैं, स्पीकर दिया गया ऊपर, और ऊपर आपको सनरूफ भी दिया गया है। यहाँ आप इसका क्लाइमेट कंट्रोल देख सकते हैं, बैक से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है बाहर आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इसमें लग्जरी फंक्शंस हैं। चलें अब बाहर आते हैं और आपको पहले पूरी कार दिखाते हैं, फिर अंदर से इसकी डिटेल बताएंगे आपको। इसकी जो सारे ग्लासेस हैं वो प्राइवेसी ग्लास हैं, आप देख सकते हैं। इसकी बैक की तरफ आएँ तो इसकी आप बैक लाइट देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी लग रही हैं। ये E4 है, टोयोटा एल्फेड हाइब्रिड E4। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके रिवर्स लाइट है। यहाँ पे बैक पे भी आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, इसके वाइपर देख सकते हैं, इसकी बैक स्क्रीन में डिफॉगर मिल जाएगा आपको। ये टोयोटा का लोगो, हम ओपन करें बैक से इसको तो आप देख सकते हैं। इस बीइंग अ 7 सीटर काफ़ी अच्छी स्पेस है, फिर भी यहाँ पे भी अब देखें, मैं बैठ के दिखाता हूँ, यहाँ पे भी एक बंदा बैठ सकता है ये आराम से। सीट तो नहीं है लेकिन ठीक है। हम देखें तो नीचे यहाँ पे कोई स्पेयर व्हील नहीं है, इसका स्पेयर व्हील नीचे दिया जाता है। जबान व्यूअर्स को दिखा दें अगर आप, तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स। अब इसके ट्रंक को बंद कर देते हैं, यहाँ पे कैमरा दिया गया आप देख सकते हैं। इसमें सराउंड कैमरा है, मतलब पूरा आपको 3D व्यू देता है। इसकी साइड पे आ जाएं तो आप देख सकते हैं, लेंथ वाइज काफ़ी बड़ी वैन है। प्राइवेसी ग्लास दिए गए हैं, एयर प्रेस इंस्टॉल है इसमें। चलें व्यूअर्स, अब इस वैन में बैठ जाते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हेड स्पेस और लेग स्पेस का। यहाँ पे आपको हुक दिए गए, मतलब आप शॉपर वगैरह टांग सकते हैं, लेकिन शॉपर तो बंद हो गए। अच्छा, यहाँ पे आपको बैक पे पॉकेट्स भी दी गई हैं। अब आप देख सकते हैं जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है, इसको आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं यहाँ से प्रेस करके। अगर आपने लेटना है तो बींग आप यूं करके आराम से लेट सकते हैं, रिक्लाइन करके इसको यूं ओपन ऊपर कर देते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, दरमियान में बैठते हैं तो यहाँ पर भी, मतलब बैक पे यहाँ पर तीन बंदे आराम से सुकून से बैठ सकते हैं, और तीसरा बंदा ये देख सकते हैं आप। चलें व्यूअर्स, अब लास्ट रो में चलते हैं और वहाँ कंफर्ट दिखाते हैं आपको। व्यूअर्स, अब मैं इसकी लास्ट रो में बैठ गया हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे आप आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा छोटा सा, दोनों बंदों के लिए दिया गया है। और यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे, पीछे स्पीकर मिल जाएगा आपको, एस्ट्रे मिल रही है यहाँ पे। ये क्योंकि वैन है इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो 7 सीटर होती है उसमें प्रॉब्लम होती है लास्ट रो में, लेकिन यहाँ पे भी अडल्ट बैठ सकते हैं आराम से। चलें व्यूअर्स, अब फ्रंट पे चलते हैं और वहाँ के फंक्शंस वगैरह दिखाते हैं आपको। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कुछ अलग ही चाइनीज में बोल रहे हैं। चलें कार को स्टार्ट करते हैं, ये आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गई है वैन। ये क्या बोल रही है भाई, हैजल लाइट बटन दिया गया है। यहाँ पे रूम्स लाइट, ये आप देख सकते हैं एम्बियंट लाइट जिसे कहते हैं, साइड्स पे ऑन हो गई है। विमान व्यूअर्स को दिखाएं अगर, तो एसी को ऑन कर देते हैं, गर्मी है काफ़ी ज़्यादा। स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं, ये मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे फोन के कंट्रोल्स हैं, वॉइस कमांड है, इस तरफ हेडलाइट के रिलेटेड कंट्रोल, दूसरी तरफ वाइपर के रिलेटेड कंट्रोल्स। इसका आप इंफोटेनमेंट क्लस्टर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसमें। 175,000 किलोमीटर चल चुकी है, जो काफ़ी ज़्यादा है।
लेकिन इन वैंस के लिए कुछ भी नहीं है। ये डोर लॉक एंड लॉक का बटन, ये विंडो लॉक का बटन, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सारी विंडो ऑटो हैं। इधर दिखाएं तो यहाँ पे आपको पावर डोर ऑन ऑफ मिल जाएगा, मतलब यहाँ से आप डोर ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ट्रंक ओपन कर सकते हैं, लेन डिसेंट असिस्ट मिल जाएगा आपको। ये आप देख सकते हैं इसका गियर लीवर, ये कंपार्टमेंट दिए गए छोटे छोटे यहाँ पे, यहाँ के आपको सिगर लाइटर और रजिस्टर मिल जाएगी। ये सीट बेल्ट की इंडिकेशन दे रहा है। ये आपको यहाँ से आप एसी वेंट देख सकते हैं। ये जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये आप देख सकते हैं, ये जैपनीज़ में समझ तो कुछ नहीं आनी इसकी है, ये हमें टच भी नहीं है, ये बटन से आप कंट्रोल करेंगे इसको। यहाँ से हम अगर इसके कंपार्टमेंट को ओपन करें तो आप देख सकते हैं ये अपर साइड कंपार्टमेंट, ये लोअर साइड कंपार्टमेंट। यहाँ पे आ जाएं तो ये आप देख सकते हैं सन शेड में वेंटिमेयर दिया गया लाइट के साथ, और यहाँ पे भी आप कोई ऐनक वगैरह रख सकते हैं अपनी, ये लाइट्स ऑन ऑफ के लिए। दूसरे सन शेड में भी आपको वेंटिमेयर मिल जाएगा लाइट के साथ। ऊपर सनरूफ है, अगर आपको हम सनरूफ अगर ओपन करके दिखाएं, ये बंद दिखा सकते हैं, इससे टिल्ट होता है, ये खुलता नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर सन ग्लासेस होल्डर मिल जाएगा, आपको यहाँ पे भी इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, बैक पे भी, बैक पैसेंजर्स के लिए। अब इसको अगर प्रेस करके रखते हैं तो इसको बंद भी कर सकते हैं यहाँ से। ओवरऑल कार की फील काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप दिखाएं रबान, तो यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं, ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं, ये रबान अगर आप दिखाएं व्यूअर्स को, तो यहाँ से आप आगे से ही कंट्रोल कर सकते हैं इसके सनरूफ को, बैक सनरूफ को। ये हमारे सभी भाई बैठे हैं यहाँ पे। ओवरऑल ये लग्जरी वैन में आती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा लग्जरी फंक्शंस भी हैं। आर्मरेस्ट ओपन करें तो यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी स्पेस दी गई है। रबान, आपको इसकी सीट्स कैसी लगी हैं? सीट्स यार इसकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है वैन के लिहाज से। यार रबान मैंने देखा वैन में, मतलब वो जिन्हें कहते हैं फट्टे वाला सीन होता है, आ रही है ऐसी लग रहा है जैसे वो हम किस में बैठे थे, प्राडो में मेरे ख्याल से। हाँ जी प्राडो में बैठे, इस लेवल की फील है। सही हो गया। चलिए व्यूअर्स आपको इसके डिटेल बताते हैं। ये टोयोटा एल्फर्ड है, फुल लग्जरी वैन है, 2008 का मॉडल है, और इसकी जो डिमांड है एक्सक्लूसिव कार बैंक 53 लाख, अगर किसी बंदे ने परचेस करनी हो तो यहाँ पे आके जीएड मर्कज में परचेस कर सकता है। अगर व्यूअर्स अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियोस बना सकें। अभी मैं इजाजत दें, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड एंड हाफिज़।